सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट क्लासेस में आज सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में, जिनमें आज के दिन इन स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ चुका है। सो इन स्टॉक में से कोई भी स्टॉक आप लोगों के पास किसी भी लेवल पर या फिर इस टाइम पर आप फ्रेज बाइंग करने के बारे में सोच रहे हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखना। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो सबसे पहले हम बात करें कैंपैक्स। सो कैंपैक्स एक न्यू कंपनी, लेकिन कंपनी बहुत ही अच्छा और आगे जाके कंपनी बहुत ही अच्छे कर सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये है कि जब से ये कंपनी बाजार में लिस्टेड हुआ है, बहुत ही न्यू कंपनी है, बस अभी भी हम बाजार में लिस्टेड होते देखने को मिला है, लेकिन जब से ये कंपनी लिस्टेड हुआ है तब से स्टॉक भागे ही जा रहे और भागे ही जा रहे हैं। आप देख पाएंगे 13 मई को ये बाजार में लिस्टिंग हुआ है, उसके बाद आप देख पाएंगे पूरे बाजार में एक साल से इतनी गिरावट देखने को बाद भी ये स्टॉक लिस्टिंग होने के साथ साथ ही रॉकेट बन चुका है। डेली बेसिस पे अच्छी खासी तेज़ी और लगातार ये तेज़ी दिखा रहे हैं और एकदम ऑल टाइम अपने टॉप पे। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर कैंपैक्स के बारे में आप सोच रहे हो एवरेज करने और फेस बाइंग करने के बारे में, कि हर स्टॉक पूरे बाजार एक नेगेटिव वे में है, पूरे बाजार में अच्छे खासे गिरावट होने के बाद भी ये स्टॉक ऊपर ही जा रहे, तो सारे पैसे इनमें ही लगा दो या फिर इनमें फेस बाइंग कर लो, अगेन गलत जाओगे दोस्तों। आपने देखा होगा हाल ही में सुप्रिया लाइसेंस, लेटिन व्यू जैसे कंपनी लिस्टेड होने के बाद भी, पारस डिफेंस जैसे कंपनी लिस्टेड होने के साथ साथ ही बिना मतलब रिजल्ट देखे हुए, इतने खराब ओके रिजल्ट दिखाने के बाद भी वो स्टॉक रॉकेट बन चुका था। उसके बाद जो स्टॉक का हालात हो आप देख पा रहे होंगे, जिन्होंने टॉप पे आ गया अब वो सिर्फ यही प्रे कर रहे हैं कि हमारे लेवल तक आ जाए तो हम ऑन कॉस्ट निकल जाएंगे। सो मैं इतना कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप इस पर फ्रेज बाइंग करने के बारे में सोच रहे हो, तेजी देख के दोस्तों आपका मन बदलना नहीं चाहिए, आपको फोकस सिर्फ कंपनी के बिजनेस के ऊपर होना चाहिए। जिस रफ्तार से स्टॉक 5 मंथ में 80% भागा है ना, उसी रफ्तार से दो मतलब एक झटका नहीं लगेगा ये स्टॉक दोबारा से अपने लो लेवल पे आने के लिए। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है ना, ये कंपनी अच्छी लगती है, तो मैक्सिमम इस कंपनी के बारे में स्टडी कीजिए। Q2 के नंबर का सिलसिला जारी हो गया, एक बार नंबर देखना, अगर नंबर वाकई अच्छे आते हैं तब चाहे तो इसके बारे में विचार कर सकते हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो स्टॉक में आपको रैली देखने को मिल रहा है ना, ये अभी तक इसने ऐसा कोई 5-स्टार नंबर नहीं दिखाया जो स्टॉक इतने टॉप पे है और इतने शानदार रिटर्न दे चुका और डेली बेसिस पे स्टॉक भाग रहा है। इतने कमाल के रिटर्न मतलब इतने कमाल के नंबर अभी तक इसने नहीं दिखाया। तो प्लीज़ Q2 के नंबर इस बार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर Q2 के नंबर खराब आते हैं तो ये जो रिटर्न देखने को मिल रहा है एक ही झटके में स्टॉक आधा भी हो सकता है। तो ये पॉइंट भी आपको नोट करना आना चाहिए। सिर्फ रैंडमली स्टॉक भाग रहा है इसलिए बाय करोगे तो बाकी लेटिन व्यू, सुप्रिया लाइफ साइंस, बाकी जैसे और भी न्यू कंपनी है जो टॉप से आधा हो चुका है, आधे से भी ज़्यादा हो चुका है, तो उन जो लोग टॉप पे बाय किए उनके हालत जैसे हुए तो आपके हालत भी ऐसे हो सकते हैं। तो प्लीज़ कोई भी अगर आपको डिसीजन लेना है, एक भी स्टॉक लेना ही है, तो Q2 के नंबर एक बार देखना, उसके बाद अगर आप डिसीजन लोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। सो इसमें एक अपडेट आते हुए देखने को मिला। सो अपडेट दोस्तों शेयर होल्डिंग बैटर, सबसे पॉजिटिव अपडेट ये दोस्तों कि प्रमोटर आप देख पाएंगे, प्रमोटर के पास 74%, जो कि एक अच्छे साइन है। और ऐसे न्यू कंपनी में, मिड कैप टाइप की कंपनी में प्रमोटर के पास मैक्सिमम जितना डेटा रहेगा या फिर जितना शेयर्स रहेगा वो एक पॉजिटिव ही मतलब हमारे लिए एक ट्रस्टेड वाली बात होते हैं। देन अगर बात करें FIS 6% थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, अगर बात करें DS की तो वो भी 6.5% के आसपास, पब्लिक 13%, मतलब बहुत शानदार देखने को मिला शेयर होल्डिंग पैटर्न। क्योंकि इतनी छोटी कंपनी होने के बाद भी, इतने न्यू कंपनी होने के बाद भी FIS DS के पास अच्छे होल्डिंग हमें देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत बड़े अच्छे साइन है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, अभी तक इसने ऐसा नंबर नहीं दिखाया, आप पिछली बार के नंबर भी देख पा रहे होंगे, OQ के नंबर है, बहुत ही अप्स एंड डाउन्स है, बहुत अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिले। पहले 275 के सेल्स, फिर कम होकर 135, फिर इंक्रीज होकर 434 का सेल्स, फिर 350 का सेल्स, फिर थोड़ा सा कम, तो बहुत ही अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को मिला। तो अभी तक ऐसा 5-स्टार नंबर नहीं दिखाया। तो प्लीज़ अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है कैंपैक्स में, खासकर कैंपैक्स की मैं बात करूँ, लैंडमली स्टॉक भाग रहा है इसलिए बाई मत करना, Q2 के नंबर देखना, उसके बाद अगर नंबर अच्छे लगते हैं तब चाहो तो एक या दो इंस्टॉलमेंट लगाने के बारे में सोच सकते हो। क्योंकि एक न्यू कंपनी, एक बार भी खराब नंबर दिखाए तो स्टॉक इजीली आधा हो सकता है, जो कि लेटेन व्यू और बाकी और भी अदर्स कंपनी में आप देख पाएंगे जो कि अभी भी बाजार में लिस्टेड होते देखने को मिला। कभी कभी कंपनी लिस्टेड होने के बाद स्टॉक रॉकेट बन जाता है, उसी रफ्तार से एक बार नंबर खराब दिखाए तो उससे भी दुगना रॉकेट की तरह वो नीचे भी आ जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। तो प्लीज़ अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो लॉजिक और प्रॉपर रीज़न के साथ जाए। तो प्रॉपर रीज़न अभी ये है कि Q2 के नंबर ही आपको बताएगा कंपनी क्या जो टॉप पे है, क्या वो डिजर्व करता है या फिर नहीं करता है। तो प्लीज़ कोई भी डिसीजन लेने हैं, मेरी सलाह इतनी रहेगी, देखो कैपिटल आपके है तो डिसीजन भी आपका होना चाहिए। मेरे हिसाब से नंबर देखना, उसके बाद ही अगर बाय करोगे तो एटलीस्ट आप टॉप पे अटकोगे नहीं। द नेक्स्ट स्टॉक है सो रिलैक्सो फुटवेयर। तो रिलैक्सो फुटवेयर नंबर 1 कंपनी है, पहले नंबर 1 पे दोस्तों बाटा हुआ करता था, उसको बीट करके आप रिलैक्सो
अभी तो फिलहाल के लिए वो सस्टेन करे नंबर वन पे, जो कि एक अच्छे साइन है। तो नो डाउट दोस्तों, बाटा हो चाहे रिलैक्स हो या फिर कैंपक्स हो, तीनों अच्छे कंपनी है। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं बात करूँ किसी के, अगर सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स हो। क्योंकि रिलैक्स कोई ऐसी वैसी कंपनी है दोस्तों जिस कंपनी के मैनेजमेंट बहुत शानदार होता है ना, क्योंकि जिस कंपनी के मैनेजमेंट बहुत शानदार होता है वही सेकंड नंबर से फर्स्ट नंबर पे पहुंच भी जाता है और उस पे वो सस्टेन भी करता है। तो फर्स्ट नंबर पे डिजर्व करना इतने, मतलब जिसे कहते हैं ना, इतने आसान नहीं होता है। तो बहुत शानदार कंपनी है, इंडेक्स नंबर वन कंपनी है, और फिर भी ऐसी कंपनी बहुत सारे लोग पैनिक हो चुके हैं, बल्कि बहुत सारे बीच में लॉस बुक करके निकल भी चुके हैं, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न ये है गिरावट। तो टॉप पे जिन्होंने बाय किया एग्जैक्टली देखोगे ना तो आपको रफली 35% करेक्शन देखने को मिलेगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, रिलैक्स बहुत ही ट्रस्टेड कंपनी, बहुत शानदार कंपनी, एक नंबर वन कंपनी है। मैं स्टॉक मार्केट की लिस्टिंग के हिसाब से बात करूँ तो अगर आपके पास रिलैक्स जैसी कंपनी है तो आप ज़रूर बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपको कोई भी इस टाइम पर फ्रेश बैन करने के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज़, नंबर तो सिलसिला जारी हो चुका है, बहुत सारे कंपनी के नंबर आ भी चुका है, तो एक बार नंबर देखना, उसके बाद एवरेज और फेस बाइंग करोगे तो सबसे आपके पास एक प्रॉपर बेस्ट डिसीजन रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया, हर कंपनी के नेचर है, और ये हर कंपनी के नेचर है, एक साल के लिए आओगे तो ये पैनिक हर स्टॉक में एक ही चीज़ें देखने को मिलेगा, एक टॉप से फिर नीचे, क्योंकि बाजार नीचे है। जब बाजार भी टॉप पे होगा ना, 18,600 के लेवल तोड़ के 19,000-20,000, तो ये भी टॉप पे देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत टॉप नॉच कंपनी है। तो अगर आपके पास रिलैक्स जैसी कंपनी है, डोंट पैनिक, एक भी पर्सन के आपको पैनिक नहीं होने, इस गिरावट का आप चाहो तो फायदा उठा के भी चल सकते हो, क्योंकि वैसे वैसे कंपनी है ना ही ये आज की कंपनी, ये आप देख पाओगे बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत शानदार कंपनी है दोस्तों। आप देख पाओगे कितनी लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर चुका है सबका, बहुत पुरानी ट्रस्टेड कंपनी है, स्मूथली चलने वाली कंपनी है। तो ऐसे गिरावट बीच में बहुत लाखों बार दिखा चुका है, तो अगर आपके पास रिलैक्स हो तो बिंदास कंटिन्यू आप कर सकते हो। कोई भी इस टाइम पे अगर फेस बैंक के लिए, मैं इतना कहना चाहूँगा, डिस्काउंट तो बहुत ज़्यादा है फिर गिरावट 36-35%। तो अगर आपको डिसीजन लेना है, प्लीज़ Q2 का नंबर स्टार्टेड हो चुका है, कुछ दिन वेट कर लेना, नंबर आ जाएगा, जैसे आ जाएगा मैं आपको अपडेट जरूर कर दूंगा, साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको मैं जरूर बता दूंगा। तब चाहो तो इसके बारे में 970 की जगह 1070 भी बाय कर लूँगा ना, आपका से प्रॉपर रीजन होगा। तो इतना कहा, जो कमाल की कंपनी आप बिंदास कंटिन्यू कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा सोना कॉमस्टार, फिर सोना BLW। सो दोस्तों, इस स्टॉक के ऊपर बहुत फोकस रखना है इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि अपने प्रोमोटर ने 14% स्टेक इस बार सेल करते हुए देखने को मिला, जो कि एक नेगेटिव साइन तो जरूर है। तो इस बार के नंबर में नो डाउट अभी भी 53% है, कि 50% से ज़्यादा अभी भी कंपनी के ओनर होल्ड करता है, जो कि अच्छे तो साइन है, लेकिन 14% स्टेक एक ही बार में इसी क्वार्टर में, तो सिस्को इस बार के नंबर मेरे लिए तो बहुत फोकस में रहने वाला है। तो प्लीज़, अगर आपके पास सोना कॉमस्टार जैसी कंपनी है तो इसको, इस बार के नंबर अगर आपके पास नहीं भी है तब भी स्टडी करना, कुछ ना कुछ पॉइंट सीखने को आपको जरूर मिल जाएगा। ये कंपनी जैसे अभी लिस्टेड होते देखने को मिला, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया ना, कैंपक्स लिमिटेड, वो भी ऐसे लिस्ट होने के बाद आप देख पाएंगे सोना कॉमस्टार पैसे भाग रहा था, जिन्होंने तेजी देख के बाय किया बिना सोचे समझे, आज उनके 50% लॉस हो रहे पोर्टफोलियो में। इसलिए मैं बोलना चाहूँगा, कैंपक्स हो कोई और भी कंपनी हो जो कि बाजार में लिस्ट हो और भागे जा रहे, तो प्लीज़ नंबर देख लेना पहले, ये तो देख लो वो डिजर्व तो करता है ना, ऐसे नहीं कि ऑपरेटर स्टॉक को भगाया जा रहा है, फिर आप बाय करोगे वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएगा और आप टॉप पर अटक जाओगे और आप जिंदगी भर अटक जाओगे। तो इतना कहना चाहूँगा दोस्तों, अच्छे कंपनी है कैंपक्स भी, लेकिन नंबर देख लेना उसके बाद ही डिसीजन ले सकते हो। लेकिन सोना कॉमस्टार के ऊपर फोकस रखना, स्टॉक डिस्काउंट में मिल रहा है बाय मत करना, Q2 का नंबर देखना, उसके बाद अगर नंबर अच्छा है तो तब चाहो तो डिसीजन ले सकते हो। देन नेक्स्ट स्टॉक है हमारा TD पावर सिस्टम लिमिटेड। सो TD पावर सिस्टम लिमिटेड, आपने हाल ही में देखा होगा अपडेट आते हुए देखने को मिला था, 1 के बदले 5,000 और 10 के बदले 50,000। तो ये स्टॉक अगर आपके पास है तो आपके लिए तो गुड न्यूज़ है, लेकिन इस कॉर्पोरेट एक्शन के चलते इस स्टॉक पर प्लीज़ फ्रेश बाइंग ना करें। कंपनी कोई बुरी नहीं है, कंपनी अच्छी है, लेकिन बहुत ही स्लो चलते हैं। तो आप देख पाओगे मैक्सिमम गैप बहुत ही स्लो चलता है, 96% सिर्फ और सिर्फ रिटर्न। तो कोई भी अगर आपको डिसीजन लेनी है तो नंबर देखना, उसके बाद चाहो तो डिसीजन ले सकते हो। सो वीडियो देखते हैं, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए।